लोदीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एम्बुलेंस कर्मी की मौत, एक घायल। चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक एम्बुलेंस कर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि चैनपुर थाना क्षेत्र के झरिया गांव निवासी श्यामलाल राम के 27 वर्षीय पुत्र नागेंद्र कुमार का घटनास्थल पर ही मौत हो गया, जबकि दूसरा चांद थाना क्षेत्र के सरयू यादव के 28 वर्षीय पुत्र अभिजीत कुमार घायल है। वहीं साथ में आए एम्बुलेंस के कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की रात्रि ड्यूटी के दौरान ही मोहनिया अपने एम्बुलेंस को ठीक कराने के लिए वर्कशॉप पर गया था, जिसके बाद वहां से बाइक से वापस चांद पीएचसी पर ड्यूटी के लिए वापस दोनों आ रहे थे, तभी लोदीपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। यह लड़का स्वास्थ्य विभाग में काम करता था और यह ड्यूटी के दौरान इसका अचानक सड़क दुर्घटना हुआ है। कब सड़क दुर्घटना हुआ था? कल रात में। कहाँ पे घटना, कहाँ पे हुआ था? घटना लोदीपुर चैनपुर के बाद खरगावा के लगभग में, खरगावा के लगभग में हुआ। क्या चीज से थे कि इनका सड़क दुर्घटना हुआ? बाइक से थे। ड्यूटी आवर में आ रहे थे? हाँ, ड्यूटी आवर में आ रहे। क्या नाम था इनका? नागेंद्र कुमार। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनका पिताजी का नाम श्यामलाल राम। कहाँ के रहने वाले हैं? यह झरिया के रहने वाले हैं, चैनपुर थाना में पड़ता है। तो क्या आप इसमें सरकार से क्या मुआवजा की मांग रहे हैं? हाँ, सरकार से मुआवजा मांगते हैं कि ये जो लड़का था इसी के ऊपर सब लोग परिवार निर्भर था, ये कमाने वाला था, ये दुर्घटना के द्वारा ऐसे हो गया, इसलिए हम सरकार से हम मांगते हैं मुआवजा के, पूरा जो सरकार के द्वारा मुआवजा है उसको मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जनक प्रसाद। क्या लगेंगे आप? इनके बड़े पापा लगेंगे। कौन है उसका प्रधान पटना? हम बात किए हैं अपने वरीय पदाधिकारी से। हाँ, और यहाँ भी हमारे वरीय पदाधिकारी से बात हुआ है कि इनको हर संभव जो सहायता हो दिया जाए। यहाँ के अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? वो अभी बोले वो पटना बात किए हैं, जल्दी बोले हैं कि जो इसका लाभ है, जो इंश्योरेंस का लाभ है, ईएसआई पीएफ जो भी है, वो हर संभव दिलाया जाए और तत्काल इनको दाह संस्कार के लिए हमारे तरफ से और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको आर्थिक मदद की जाएगी। क्या नाम है आपका? भानी प्रताप। क्या है आप? एसीयू। जो गाड़ी खराब हो गया था मोहनिया ले गए थे बनवाने के लिए, रात्रि समय लौटते समय इनका चैनपुर और चांद पथ में लोदीपुर के जगह पर इनका दुर्घटना हो गया था, जो आत्मिक मौत हो गया है। और सिविल सर्जन मैडम से मेरी दरख्वास्त है, मांग है कि जो इनके आर्थिक सहायता, जो इनके पर परिवार निर्भर था, इनको आर्थिक लाभ मिले और इनके जो परिवार है उनको भरण पोषण के लिए इनको इनके जगह पर उनको नौकरी दी जाए। और वरीय पदाधिकारी से भी बात करके, जो हमारे पटना का संस्था हैं, उनसे जल्द से जल्द इनको लाभ मिले। कहाँ से कहाँ जा रहे थे कि ये गाड़ी जो बनाने के लिए खराब हो गई थी इनकी, जो मोहनिया वर्कशॉप में गया था, वहाँ से लौटते समय रात्रि को चांद जा रहे थे, अपने जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, वहीं पे बीच रास्ते में एक्सीडेंट। क्या नाम था उनका? नागेंद्र कुमार। आपका क्या नाम है? हमारा गणेश कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष। हमें तो रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास में हमें पता चला टेलीफोन के माध्यम से कि हमारे कर्मचारी जो थे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जो मोहनिया वर्कशॉप में ले गए थे बनाने के लिए, इसी दरमियान उधर से लौट रहे थे। तो लोदीपुर एक जगह है, उसी के आसपास में एक अज्ञात वाहन जो है चार चक्का उधर से आ रही थी और वो शायद बहुत अनियमित थी, जो इनको आगे से टक्कर लगा दिया, ये गिर पड़े, घटनास्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ एक और कर्मचारी थे, वो भी घायल हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ है। और मैं समाचार सुन करके मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ और मैं यहाँ का जिला का प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी आर्थिक रूप हो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो, आप अपने स्तर से करें। अगर ये नहीं करेंगे तो मजबूरन हम लोग कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ेगा, ये इसका विरोध करना पड़ेगा। अगर इनके द्वारा हमें हर चीज़ लाभ दिया जाएगा तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार होंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग दिवस होकर के 1 सप्ताह के अंदर 4 दिन के अंदर हम लोग इसको विरोध के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष 102 बिहार। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।